देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन, मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। डेयरी उद्योग चलाने वालों को मिल सकता है 1 करोड़ रुपए का इनाम। सरकार ने लॉन्च किया नया स्टार्टअप। मखाने की उन्नत खेती करने पर अनुदान दे रही है सरकार। नई प्रजाति से किसानों को मिलेगा ज्यादा उत्पादन। सरकार ने डेयरी एवं पशुपालन क्षेत्र की इन योजनाओं को किया बंद। लोकसभा में किया गया ऐलान। खेती के साथ साथ पशुपालन करके किसान अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। ये बात कई सफल किसानों के साथ साथ सरकार भी कहती आ रही है। ऐसे में लगातार सरकार द्वारा भी पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग योजनाओं का विस्तार किया जाता है। इतना ही नहीं, सरकार किसानों को पशुपालन के लिए सब्सिडी भी दे रही है। इसी कड़ी में पशुपालन से जुड़े डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक नया स्टार्टअप शुरू किया है, जिसमें सरकार ने एक खास तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इस प्रतियोगिता में जीतने वालों को सरकार 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम देगी। दरअसल ये एक सरकार द्वारा शुरू किया गया स्टार्टअप है, जिसे पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज नाम से लॉन्च किया गया है। इसमें पशुपालन और डेयरी उद्योग से जुड़ी 6 मुख्य समस्याओं का हल करने के लिए इनोवेटिव आइडिया के लिए प्रतियोगिता भी की जा रही है, जिसमें जीतने वालों को सरकार 1 करोड़ रुपए तक का इनाम देगी। मिली जानकारी के अनुसार हर इनोवेटिव आइडिया बताने पर विजेता को 10 लाख रुपए और उप विजेता को 7 लाख रुपए का कैश इनाम मिलेगा। देश में बढ़ती महंगाई और बढ़ते बेरोजगार युवाओं की संख्या को देखते हुए सरकार इस तरह की पहल कर रही है, ताकि लोगों को अच्छा कारोबार मिले और भारत की विदेशों पर निर्भरता कम हो। बिहार में अभी तक केवल कुछ ही जिलों में मखानों की खेती की जाती है। वहीं देश के साथ विदेश में भी मखाने की डिमांड काफी बढ़ रही है, जिसको देखते हुए बिहार सरकार भी राज्य के किसानों को मखाने की खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके तहत बिहार राज्य सरकार मखाने का उत्पादन बढ़ाने के लिए मखाने के उन्नत किस्म के बीज और खेती पर अनुदान दे रही है। इस नई प्रजाति के बीज से राज्य में मखाने के उत्पादन में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है। राज्य सरकार के अनुसार अभी मखाने का उत्पादन प्रति हेक्टेयर 16 क्विंटल है, लेकिन जो नई प्रजाति के बीज दिए जाएंगे उसका उत्पादन 28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। आपको बता दें कि राज्य में मखाने के नए बीज का उत्पादन बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार के लिए मखाना विकास योजना चलाई जा रही है। राज्य सरकार के अनुसार राज्य में मखाना की उन्नत प्रजाति के बीज की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 97,000 रुपए की लागत आती है, जिस पर किसानों को 75% की सब्सिडी दी जा रही है, जो अधिकतम 72,750 रुपए है। राज्य सरकार के अनुसार राज्य में मखाना की उन्नत प्रजाति के बीज की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 97,000 रुपए की लागत आती है, जिस पर किसानों को 75% की सब्सिडी दी जा रही है, जो अधिकतम 72,750 रुपए है। मखाना के उन्नत बीज के लिए राज्य के 8 जिलों के किसान आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इस योजना के तहत 16% अनुसूचित जाति और 1% अनुसूचित जनजाति की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 30% भागीदारी रहेगी। अनुदान पर मखाने की खेती के लिए किसानों को उद्यानिकी विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। राज्य के इच्छुक किसान 24 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। किसान पास के CSC सेंटर से या फिर horticulture.bihar.gov.in पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। देश में दूध उत्पादन बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के उद्देश्य से डेयरी एवं पशुपालन विभाग के द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसके तहत लाभार्थियों को सरकार द्वारा पशुपालन या डेयरी व्यवसाय का काम शुरू करने के लिए सब्सिडी या फिर कम ब्याज दरों पर कर्ज उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन अब ऐसी ही कुछ नई योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं, जिनके शुरू होने से कुछ पुरानी योजनाओं को बंद कर दिया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा संचालित पशुपालन और डेयरी से संबंधित 2 योजनाओं को बंद कर दिया गया है। ये दोनों योजनाएं अनुदान और डेयरी शुरू करने से संबंधित
संबंधित थी, जिस पर अब पशुपालकों को मिलने वाले लाभ इन दोनों योजनाओं से बंद हो गए हैं। आपको बता दें कि लोकसभा में डॉक्टर श्री सुकांत मजूमदार और श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने देश में मछली पालन, पशुपालन और डेयरी के लिए चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी थी। आपको बता दें कि लोकसभा में डॉक्टर श्री सुकांत मजूमदार एवं श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने देश में मछली पालन, पशुपालन और डेयरी के लिए चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी थी। उनके अनुसार इस क्षेत्र में चल रही इन दो योजनाओं, राष्ट्रीय डेयरी योजना, डेयरी उद्यमिता विकास योजना को पिछले 2 सालों में बंद किया गया है। डेयरी उद्यमिता विकास योजना का लाभ किसान, व्यक्तिगत उद्यमी और गैर सरकारी संगठन, कंपनियां, असंगठित और संगठित क्षेत्र के समूह आदि ले सकते हैं। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से। खबरें और भी हैं, आइए नजर डालते हैं बाकी खबरों पर भी। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में किसान बड़े पैमाने पर मिर्च की खेती करते हैं। ऐसे में जब किसानों को यहां अच्छे उत्पादन के साथ लाल मिर्च की अच्छी कीमत भी मिलती है तो किसानों को काफी राहत मिलती है। दरअसल मिर्च के मुख्य बाजार कहे जाने वाले नंदुरबार मंडी में किसानों को रिकॉर्ड भाव मिला है। स्थानीय बाजारों में बड़ी आवक के बावजूद दरें अच्छी बनी हुई हैं। इस साल पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा रेट बताया जा रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर भविष्य में मांग बढ़ती है तो दर और बढ़ेगी। हालांकि बेमौसम बारिश की वजह से प्रमुख फसलों और बगीचों को नुकसान होने के बावजूद मौसमी मिर्च उत्पादकों के लिए इस समय राहत मिलती नजर आ रही है। मंडी में पिछले 1 महीने से आवक शुरू हो गई है। नंदुरबार मंडी में इस समय मिर्च की कीमत 4,000 रुपए प्रति क्विंटल है। हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के लोनी में सहकारिता पर आयोजित कार्यक्रम में खान मेहमान बनकर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि मैं सहकारिता में कुछ तोड़ने नहीं बल्कि जोड़ने आया हूं। मगर राज्य सरकार भी राजनीति से ऊपर उठकर कॉपरेटिव को देखा करे। मैं मूक दर्शक बनकर नहीं बैठ सकता, मेरी जिम्मेदारी है और इसलिए आज मैं यहाँ बहुत अच्छे तरीके से कहने आया हूँ कि आप सबको इससे ऊपर उठकर सोचना चाहिए। यह भी विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे सामने भी जो मसला आएगा वो सहकारिता का यूनिट कौन चला रहा है, ये कोई नहीं देखेगा, वो कैसे चल रहा है ये जरूर देखेंगे। राज्य सरकार को भी इसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए। झारखंड की राजधानी रांची स्थित बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आगामी 20 और 21 दिसंबर को भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ का 45वां वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। अधिवेशन में देश भर के कृषि विशेषज्ञ, बागवानी विशेषज्ञ, पशु चिकित्सक और मत्स्यिकी विश्वविद्यालयों के कुलपति शामिल होंगे। इस अधिवेशन की मेजबानी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा की जा रही है। इतना ही नहीं, पूरे अधिवेशन के दौरान कृषि विश्वविद्यालयों के शोध और शिक्षा का स्तर, टिकाऊपन और सामाजिक प्रभाव की वृद्धि के तौर तरीकों और रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ की स्थापना 1967 में हुई थी। उस समय इसके 9 सदस्य थे। इसके बाद बढ़ते वक्त के साथ इस संघ में नए सदस्य जुड़ते चले गए। यही नहीं, पिछले करीब 54 सालों में इसके सदस्य और विश्वविद्यालयों की संख्या 70 हो गई है। आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।